अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज हम उन 16 आलमी रिकॉर्ड याफ्ता हैरत अंगेज़ मकामात के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते। बरसों से गिनीज़ के तहत दुनिया भर में लोगों और मकामात के हैरत अंगेज़ और अजीबो गरीब आलमी रिकॉर्ड्स को हर साल एक नए एडिशन में पेश किया जाता है। अब वो चाहे दुनिया की सबसे पतली गली हो या बुलंद तरीन आउटडोर लिफ्ट जहां आप कुछ सेकंडों में पहाड़ों पर 1070 फुट बुलंदी तक पहुंच सकते हैं। आज हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कुछ ऐसी ही जगहों, ममालिक और दीगर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो सयाहों की भी बहुत पसंदीदा मकामात हैं। नंबर 1, प्लेटफॉर्म्स की तादाद के हवाले से सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। न्यूयॉर्क का ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल नामी रेलवे स्टेशन 1903 से 1913 के दरमियान तामीर हुआ, जिसमें 44 प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ऊपरी और निचली सीढ़ियों पर वाक़ 41 ट्रैक्स के साथ साथ यहां एक खुफिया गैर इस्तेमाल शुदा प्लेटफॉर्म भी मौजूद है जो वर्ल्ड रूफ ऑस्ट्रिया के नीचे वाक़ है। नंबर 2, दुनिया की सबसे पतली गली। इस गली में से गुजरना दुबले पतले अफराद का ही काम है, मोटे अफराद तो इसमें फंस कर रह जाते हैं, क्योंकि इसे दुनिया की सबसे पतली गली कहा जाता है जो महज 12.2 इंच चौड़ी है। इस गली को 1727 में जर्मनी के एक रूट लिंकन नामी शहर में बड़े पैमाने पर आतिशजदगी के बाद तामीर किया गया था और अब ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा है। नंबर 3, तेज तरीन इंटरनेट कनेक्शन। जनूबी कोरिया के पास 2011 से तेज तरीन ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस का आलमी रिकॉर्ड मौजूद है। यहाँ एक औसत डाउनलोड 33.5 मेगाबाइट्स फी सेकंड की रफ्तार से होती है, जबकि अपलोडिंग की रफ्तार औसतन 17 मेगाबाइट्स फी सेकंड है। नंबर 4, सर्द तरीन मकाम। सर्बियन गांव ओमेका कॉन को दुनिया का सर्द तरीन मकाम माना जाता है। रूस में वाक़ इस गांव में सर्दियों के दौरान औसत दर्जा हरारत -55 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि यहां सबसे कम दर्जा हरारत 1933 में रिकॉर्ड किया गया जो लगभग -68 डिग्री सेंटीग्रेड था। नंबर 5, दुनिया का सबसे कदीम नेशनल पार्क। अमेरिका का येलोस्टोन नेशनल पार्क पहला मकाम था जिसे सबसे पहले एक नेशनल पार्क का खिताब 1872 में उस वक्त के अमेरिकी सदर यूलिसिस एस ग्रांट ने दिया। आज ये पार्क मुतअद्दिद दंग कर देने वाली जगहों का घर है जिनमें मल्टी कलर तालाब काबिले जिक्र हैं। नंबर 6, दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर स्काई रिजॉर्ट। दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर स्काई रिजॉर्ट दुबई के मॉल ऑफ एमरेट्स नामी शॉपिंग प्लाजा में मौजूद है, जहाँ स्काइंग के शौकीन अफराद साल भर मसनू बर्फ और 1000 फुट तक फैले नशीबो फराज में इस खेल से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। यहाँ बर्फ पर छलांग लगाने के लिए फ्री स्टाइल जोन भी मौजूद है। नंबर 7, दुनिया की सबसे बुलंद लिफ्ट। देखने वाली चीन के जिंग जॉर्जी नेशनल फॉरेस्ट पार्क में वाकई 1070 फुट ब्लंट लिफ्ट पर सफर करते हुए आसपास के पहाड़ों की दंग कर देने वाले नज़ारों से मसरूह हुए बगैर नहीं रह सकते। नंबर 8, दुनिया का सबसे पुराना अम्यूजमेंट पार्क। डेनमार्क का बॉकिकेन नामी यह अम्यूजमेंट पार्क क्लैमेनबर्ग में वाक़ है, जिसे 1583 में खोला गया था और ये अब भी काम कर रहा है। इस पार्क में 150 से ज्यादा लोगों की दिलचस्पी के लिए झूले और दीगर अशिया मौजूद हैं, जिनमें दुनिया के सबसे कदीम रोलर कोस्टर्स में से एक काबिल जिक्र है जो यहाँ 1932 से मौजूद है। नंबर 9, दुनिया का सबसे छोटा मुल्क। रियासत वेटिकन सिटी को एक खुद मुख्तार मुल्क समझा जाता है और इसे दुनिया के सबसे छोटे मुल्क का आर्मी रिकॉर्ड हासिल है जो 0.17 स्क्वायर मील के रकबे पर फैला हुआ है। नंबर 10, गार में बना सबसे बड़ा किला। प्रैट जामा कैसल यूरोपीय मुल्क सिल्वानिया में वाक़ है जो एक गारों के सिलसिले के दाने पर तामीर किया गया है। 13वीं सदी के इस किले को 400 फुट ऊंचाई पर तामीर किया गया था और ये दुनिया भर के सयाहों को अपनी जानेब खींचता है। नंबर 11, सबसे मुतहरिक आतिशफिशां।
हवाई का कैलायू नामी आतिश फिशान 1983 से मुसलसल लावा उगल रहा है। इसके मुसलसल लावा उगलने के अमल ने उसे हवाई आने वाले सयाहों के लिए लाजमी घूमने की जगह बना दिया है। नंबर 12, सयाहत पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला मुल्क। चीन ने 2012 में सयाहत के शोबे में रिकॉर्ड 1.2 अरब डॉलर खर्च किए, जबकि जर्मनी ने उसी साल 83.8 अरब डॉलर और अमेरिका ने 83.5 अरब डॉलर का खर्चा करके ग्रीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम बनाया। नंबर 13, सबसे ब्लंट वाटर स्लाइड। कंसॉस सिटी के एक वाटर पार्क में वाक़ वेरोरो क्रिकेट नामी वाटर स्लाइड को दुनिया की सबसे लंबी वाटर स्लाइड का आलमी रिकॉर्ड हासिल है। इसकी लंबाई 168 फीट और 7 इंच है, जबकि नीचे जाने की रफ्तार भी 60 मील फी घंटा होती है। नंबर 14, दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। ग्रीनलैंड का नॉर्थ ईस्ट नेशनल पार्क दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो 3,75,290 स्क्वायर मील के रकबे पर फैला हुआ है, और दुनिया में बमुश्किल ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसने इस पार्क को पूरा देखने का दावा किया हो। नंबर 15, दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल। इटली के इलाके मोंटेग्रोटो तर में वाक़ Y40 नामी स्विमिंग पूल को दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल माना जाता है, जिसकी गहराई 137 फुट है और इसमें 10 लाख गैलन से ज़ायद पानी भरा हुआ है। ये इतना गहरा है कि आम गोताखोर तो इसकी गहराई तक पहुंच भी नहीं सकता, बल्कि स्क्यूबा डाइविंग में भी महारत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 16, दुनिया का सबसे बुलंद होटल। दुबई का JW मैरियट मार्क्यूस होटल 11.65 फीट से ज़्यादा बुलंद है और इसके 72 मंजिला दो टावर्स हैं। इसकी ऊपरी मंजिल पर एक लॉन्च बार मौजूद है, जिससे आप लगभग पूरे शहर का नज़ारा कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ फिर आपसे मैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और अपने आसपास के लोगों का भी। एनी इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।